तो गैस आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ एक गेमिंग कैबिनेट का। तो जो कैबिनेट है एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला 5-10 ईयर गेमिंग कैबिनेट। तो जो कैबिनेट है एंटी स्पोर्ट्स ने इसे रिसेंटली अभी लॉन्च करा है, एक महीना हो चुका है। बट आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस कैबिनेट का फुल रिव्यू देने वाला हूँ, मतलब कि मैं आपको इस कैबिनेट की स्पेसिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, जैसे कि इसके अंदर आपको कितने RGB मोड्स देखने को मिल जाते हैं, एक एक मोड मैं आपको गिना के देने वाला हूँ, फैन की क्वालिटी कैसी है, कितने फैन आपको उसके साथ देखने को मिल जाते हैं, इस कैबिनेट की बिल्ड क्वालिटी कैसी है, किस तरीके का आपका ये एयरफ्लो करा के देने वाले है, कितनी हार्ड डिस्क और कितनी SSDs आप इस कैबिनेट के अंदर लगा सकते हो, इसका टेम्पर्ड ग्लास कैसा है, इसका डस्ट फिल्टर किस तरीके का देखने को मिल जाता है, मतलब कि ये समझ लो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस कैबिनेट को टॉप से लेके बॉटम तक एक्सप्लेन करने वाले इसकी स्पेसिफिकेशंस को। तो अगर आपको भी जानना है इसी कैबिनेट के बारे में तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख के जाना, क्योंकि वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर आपका भी इंटरेस्ट है ऐसे ही PC रिलेटेड कंटेंट के अंदर तो क्या करे हो, मेरे यूट्यूब चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल पे अनबॉक्सिंग रिव्यू बेंचमार्क और बजट PC में करते रहते हैं। अगर आपका भी इंटरेस्ट है इन्हीं सब चीजों में तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। तो बढ़ते अपने कैबिनेट के तरफ। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इस कैबिनेट की बिल्ड क्वालिटी की। तो गाइस पर्सनली बताऊं इस कैबिनेट की जो बिल्ड क्वालिटी है ना ही वो ज्यादा अच्छी है ना ही ज्यादा वो बुरी है, मीडियम लेवल की बिल्ड क्वालिटी आपको इसके साथ देखने को मिल जाती है। एक सिंगल वर्ड के अंदर बताऊं एंटी स्पोर्ट्स के जो कैबिनेट आते हैं 5000 के अंदर रहते हुए अगर हम उन्हें कंपेयर करें तो उससे ज्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी इसके साथ आपको देखने को मिल जाती है। बात करते हैं इसके फ्रंट की तो आपको इस कैबिनेट के फ्रंट में मैच देखने को मिल जाता है। वो जो मैच है भाई वो प्लास्टिक का नहीं है, वो आयरन का बना है, तो ये काफी चीज अच्छी देखने को मिल जाती है। एंड उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो आपको काफी चीज देखने को मिल जाती है, एंड देखने में वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। बात करते इसके साइड के डिजाइन की तो भाई पर्सनली बताऊं इसका जो साइड का डिजाइन है वो देखने में काफी ज्यादा कूल लगता है। ये पहला रीजन था जिस वजह से मैंने कैबिनेट खरीदा है। दूसरा रीजन यार ये था, ये जो कैबिनेट है ये न्यूली लॉन्च कैबिनेट है, एक महीना हो चुका है इस कैबिनेट को लॉन्च हुए, तो दूसरा रीजन यही था क्योंकि कैबिनेट है नए मॉडल का कैबिनेट है, तो भाई हमने ले लिया। अब बात करते हैं इसके फ्रंट के RGB फैंस के, तो फ्रंट में आपको 3 ARGB फैन देखने को मिल जाते हैं 120mm के, और पीछे भी आपको एक ARGB 120mm का फैन देखने को मिल जाता है। तो टोटल आपको इस कैबिनेट के साथ 4 120mm के ARGB फैंस देखने को मिल जाते हैं। आप इन फैन की RGB को आप अपने मदरबोर्ड के सॉफ्टवेयर से भी कंट्रोल कर सकते हो, बट काफी सारे भाई लोग होंगे जिनके मदरबोर्ड के अंदर ARGB हेडर नहीं होगा, तो एंटी स्पोर्ट्स ने इसका भी सॉल्यूशन दिया है। आप इस कैबिनेट के RGB को आपको यहाँ पे एक बटन दिया गया है, आप वहां से भी चेंज कर सकते हो, तो काफी बड़ा एडवांटेज आपको इसके साथ देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके यार फैन की क्वालिटी की, तो भाई फैन की जो क्वालिटी है वो आपको डिसेंट सी क्वालिटी देखने को मिल जाती है, ना ही ज्यादा अच्छी है ना ही ज्यादा बुरी है, बट कंपेयर करें ना प्रीवियस कैबिनेट के जो एंटी स्पोर्ट्स के उनसे कई गुना अच्छी बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाती है। बात करें फैन की लाइटिंग की तो काफी अच्छी देखने को मिल जाती है, ना ही ज्यादा डिम है ना ही ज्यादा हाई है, जैसी होनी चाहिए उस तरीके की क्वालिटी आपको इसके साथ देखने को मिल जाती है। और गैस आप इस कैबिनेट के टॉप पर 120mm या फिर 140mm के दो फैन लगा सकते हो। अभी जो आप ये टॉप पर फैन देख रहे हो ये प्री इंस्टॉल नहीं आए, ये मैंने अलग से परचेज करके लगाए हैं, तो ये मत समझ लेना कि आपको टॉप पर दो फैन देखने को मिलते हैं, ये भाई कंपनी की तरफ से नहीं आए, सिर्फ कंपनी की तरफ से आपको सिर्फ 4 फैन देखने को मिलते हैं इस कैबिनेट के साथ। फ्रंट में आपको 3 देखने को मिल जाते हैं और एक बैक साइड में आपको देखने को मिल जाता है। ये टॉप में मैंने इसलिए लगा दिया भाई मुझसे रहा नहीं गया, जब ये कैबिनेट आया मैंने आते ही बिल्ड कर दिया, तो भाई होता है ना जब नई चीज आती है तो हमें उसे देखना होता है कि वो कैसी है, तो इस वजह से मैंने लगा दिए, बट मैंने आपको बता दिया कि आपको टॉप पर कोई फैन देखने को नहीं मिलते, ठीक है। बात करते इसके बॉटम की, तो भाई बॉटम में आप कोई भी फैन नहीं लगा सकते, तो ये काफी बड़ा डिसएडवांटेज आपको उसके साथ देखने को मिल जाता है। जैसे आप टॉप में फैन लगा सकते हो ना, तो ऐसे आप बॉटम में फैन नहीं लगा सकते, तो ये काफी बड़ा डिसएडवांटेज देखने को मिल रहा है। खैर अगर आप बॉटम में फैन नहीं लगाओगे तो ऐसा नहीं है कि आपका PC नहीं चलेगा, भाई सॉफ्ट के लिए होता है, जैसे RGB सॉफ्ट के लिए है वैसे नीचे भी सॉफ्ट के लिए, तो ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। बात करते हैं इसके छत की, जहां पे आपका टॉप है तो आपको वहां पे मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर देखने को मिल जाता है, अगेन उसकी जो क्वालिटी है वो आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं इसके IO की, तो IO पे सबसे पहले आपको पावर स्विच देखने को मिल जाता है, फिर आपको यहाँ पे LED इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, फिर आपको यहाँ पे रिस्टार्ट बटन देखने को मिल जाता है, फिर आपको यहाँ पे एक LED बटन देखने को मिल जाता है। आप इस LED बटन की मदद से आप अपने कैबिनेट की RGB को चेंज कर सकते हो अगर आपके मदरबोर्ड के अंदर ARGB हेडर नहीं है। फिर आपको यहाँ पे एक USB देखने को मिल जाती है, तो जो USB है ये 3.0
2.0 जैन की देखने को मिलाती है। फिर आपको यहाँ पर दो यूएसबी देखने को मिलाती है, तो जो यूएसबी है ये 2.0 जैन की देखने को मिलाती है, तो टोटल आपको 3 यूएसबी देखने को मिल जाती है। फिर आपको यहाँ पे माइक्रोफोन पोर्ट देखने को मिल जाता है, फिर आपको यहाँ पे एक हेडफोन पोर्ट देखने को मिल जाता है। तो गाइस अब बात करते हैं कि आप इस कैबिनेट के अंदर कौन कौन से फॉर्म फैक्टर के मदरबोर्ड लगा सकते हो। आप इस कैबिनेट के अंदर EATX, ATX, MicroATX और MiniATX के फॉर्म फैक्टर के मदरबोर्ड लगा सकते हो, मतलब कि आप इस कैबिनेट के अंदर सभी टाइप के मदरबोर्ड लगा सकते हो। तो ये काफी बड़ा एडवांटेज आपको देखने को मिल जाता है। आपको इस कैबिनेट के साथ कट वाला PSU स्लॉट देखने को मिल जाता है। ऐसे बहुत सारे भाई लोग होंगे जिनको कट वाला PSU स्लॉट अच्छा नहीं लगता, बट मुझे काफी अच्छा लगता है, तो इस वजह से मैंने कैबिनेट लिया है। अब बात करते हैं सबसे बड़े एडवांटेज की, इस कैबिनेट के अंदर खास क्या है, मतलब कि अगर आप 3000 का भी कैबिनेट ले रहे हो तो उसके अंदर आपको कट वाला PSU स्लॉट देखने को मिल जाता है, RGB फैंस देखने को मिल जाते हैं और आपको मैश देखने को मिल जाती है और मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर भी देखने को मिल जाता है। बट इस कैबिनेट के अंदर खास क्या है कि आपको ये कैबिनेट लेना चाहिए, 5000 रुपए वेस्ट कर रहे हो तो कुछ तो खास होना चाहिए। खास ये है कि आप इस कैबिनेट के अंदर आप अपने ग्राफिक कार्ड को वर्टिकली माउंट कर सकते हो और आप सॉफ्ट कर सकते हो कि मैं कौन सा ग्राफिक कार्ड यूज कर रहा हूँ। सच बताऊ ना, एक बात, ये कैबिनेट मुझे कम लगा, सॉफ्ट की मशीन ज्यादा लगा, क्योंकि आप इसके अंदर आप अपनी पावर सप्लाई दिखा सकते हो कि हम कौन से ब्रांड की पावर सप्लाई यूज कर रहे हैं, आप अपनी RGB फैंस दिखा सकते हो, भाई आप अपना यार इसमें ग्राफिक कार्ड वर्टिकली माउंट करके दिखा सकते हो कि हम कौन सा ग्राफिक कार्ड यूज कर रहे हैं। अब यार समझदार को इशारा काफी है, इतनी बातों से समझ गया होगा कि मशीन कम है, ये सॉफ्ट की मशीन ज्यादा है। तो गाइस आप इस कैबिनेट के अंदर 360mm का ग्राफिक कार्ड लगा सकते हो और 160mm का CPU कूलर लगा सकते हो। आपको इस कैबिनेट के साथ 7 एक्सपेंशन स्लॉट देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस आप इस कैबिनेट के साथ 4 SATA SSDs लगा सकते हो और 2 SATA हार्ड डिस्क लगा सकते हो। और गाइस आप इस कैबिनेट के अंदर फ्रंट में 120mm या फिर 240mm या फिर 360mm का लिक्विड कूलर लगा सकते हो, मतलब कि AIO लगा सकते हो, और रेयर में 120mm का लिक्विड कूलर लगा सकते हो। तो ये आपको काफी बड़ा एडवांटेज आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके केवल मैनेजमेंट की, तो आप इस कैबिनेट के अंदर काफी अच्छी तरीके से केबल मैनेजमेंट कर सकते हो क्योंकि आपको काफी अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है। तो गाइस आपको इस कैबिनेट के साथ कुछ इस तरीके का एक हब देखने को मिल जाता है। तो इस हब का क्या काम है, आपके जितने भी ARGB फैंस हैं वो इसी से कनेक्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको इस कैबिनेट के साथ फ्रंट में 3 फैन देखने को मिल जाते हैं, वो तीनों यहाँ पे कनेक्ट है, और एक आपको बैक साइड में फैन देखने को मिल जाता है, वो यहाँ पे कनेक्ट है। बस ये काम क्या करता है, आपके जितने भी फैंस है ना वो इनको पावर देता है, बस इसका यही काम है। बस जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इस कैबिनेट के साथ टॉप पे 2 फैन लगा सकते हो, तो अगर आप उन्हें पावर देना चाहते हो तो आपको यहाँ पे 2 स्विचेस देखने को मिल जाते हैं, उनको आपको यहाँ पे लगा देना है, वो चलने लग जाएंगे। तो कैसे जो कैबिनेट है काफी अच्छा आपका एयर फ्लो करा के देने वाली है। अभी मैं खुद बनाकर नहीं बोल रहा हूँ, खुद एंटी स्पोर्ट्स ने बोला है ये जो कैबिनेट है आपका हाई एंड एयर फ्लो करा के देने वाली है। वो भाई कैसे, वो इस तरह करा के देने वाली है क्योंकि फ्रंट में आपको 3 फैन देखने को मिल जाते हैं, पीछे भी आपको एक फैन देखने को मिल जाता है, ऊपर आपको मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर और सामने आपको मैश भी देखने को मिलती है। तो यहाँ से आपकी हीट रिमूव हो जाएगी और आपका जो PC है वो काफी तक कूल रहने वाला है और अच्छा चलने वाला है। मतलब कि कंपनी का कहने का मतलब यह है कि हाई एंड एयर फ्लो आपका होने वाला है। बट कंपनी ने तो कह दिया कि हाई एंड एयर फ्लो होने वाला है, बट हम तो टेस्ट कर लें कि किस तरीके का एयर फ्लो है। भाई पर्सनली अपने हिसाब से मैं बताऊं तो काफी अच्छा एयर फ्लो है, क्योंकि भाई जब मैं इसके कैबिनेट के सामने हाथ रख रहा हूँ है ना, तो हीट जो है ना वो इजीली रिमूव हो रही है, और पीछे वाले फैन पे रख रहा हूँ तो वहां से भी हीट रिमूव हो रही है, और ऊपर तो मैंने फैन लगा रखे हैं तो वहां से तो हीट जो है ना वो काफी अच्छी तरीके से रिमूव हो रही है। तो मान के चलो ये जो कैबिनेट है आपको काफी अच्छी तरीके से हीट रिमूव कर देगी और आपका जो एयर फ्लो है वो काफी अच्छा रहने वाला है। आपको इस कैबिनेट के साथ टेम्पर्ड ग्लास भी देखने को मिल जाता है, एंड उस टेम्पर्ड ग्लास की जो आपको क्वालिटी मिलती है भाई आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। रियली गाइस इस कैबिनेट के साथ आपको जो टेम्पर्ड ग्लास मिल रहा है ना वो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। इस कैबिनेट के साथ आपको जो टेम्पर्ड ग्लास मिल रहा है वो एक स्लाइडिंग टेम्पर्ड ग्लास है, तो मुझे काफी अच्छा लगा। एंड इस कैबिनेट के जो टेम्पर्ड ग्लास है वो यार उसकी जो विजिबिलिटी है ना वो काफी अच्छी है, आप इजिली अपने कंपोनेंट्स को देख सकते हो और आपके कंपोनेंट्स आपको देख सकते हैं, तो काफी अच्छा टेम्पर्ड ग्लास आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको इस कैबिनेट के बॉटम में नीचे डस्ट फिल्टर भी देखने को मिल जाता है तो उसकी जो क्वालिटी है आपको ठीक ठाक से देखने को मिल जाती है, ज्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं है, बट ऐसा भी नहीं जो इसकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल लो है, ठीक ठाक से क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है। आपको इस कैबिनेट के बिल्कुल नीचे 4 स्टैंड भी देखने को मिल जाते हैं जिनके ऊपर आपका कैबिनेट रखा रहेगा, और उन स्टैंड के ऊपर आपको रबड़ भी देखने को मिल जाती है। वो रबड़ काम क्या करती है, जैसे अगर आप इस कैबिनेट को टेबल पर रख दोगे तो वो जो रबड़ है उस कैबिनेट को अपनी जगह से हिलने नहीं देंगे और आपका जो कैबिनेट है वो टेबल से नहीं गिरेगा। अब बात करते हैं इस कैबिनेट के RGB मोड्स की, किस किस तरीके के मोड्स इसके साथ आपको देखने को मिल जाते हैं और कौन कौन से कलर की RGB इसके साथ आपको देखने को मिल जाती है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.
storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on. कैबिनेट से रिलेटेड जितनी भी बातें थी वो सभी मैंने आपको बता दिए। अगर आपको कैबिनेट से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस पूछने हैं, या कोई कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, कंफ्यूजन है, डाउट है इस कैबिनेट से रिलेटेड या फिर पीसी टैक्स से रिलेटेड, तो जल्दी से अपनी प्रॉब्लम को कमेंट कर दो, आपको 100% रिप्लाई मिल जाएगा। या फिर आप इस कैबिनेट से रिलेटेड कुछ पर्सनल पूछना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप कि आपको ये कैबिनेट पसंद आया होगा। अगर आपको ये कैबिनेट पसंद आया है या आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगी है ना, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। अगर आपका भी इंटरेस्ट है ऐसे ही पीसी रिलेटेड कंटेंट के अंदर, तो क्या करे हो, मेरे यूट्यूब चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल पे अनबॉक्सिंग, रिव्यू, बेंचमार्क और बजट पीसी भी करते रहते हैं। अगर आपका भी इंटरेस्ट है ना इन्हीं सब चीजों में, तो चैनल को बिना सब्सक्राइब करे मत जाना, फटाक से चैनल को भी करो सब्सक्राइब। अगर आपको 10,000 का गेमिंग पीसी बिल करना है तो आप ये वाली वीडियो देखो, अगर आपको 30,000 का गेमिंग पीसी बिल करना है तो आप ये वाली वीडियो देखो। तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।